कि मंगल सीधा आपके ब्लड को प्रभाव करता है एस्ट्रोलॉजिकली, और पैरासाइकोलॉजिकली ये आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसके कहते हैं पुराने कर्मों, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा आपकी साइकी लेवल, कई बार साइकी लेवल चेंज हो जाता है, आप बड़े एरोगेंट बिहेव करते हो बिना किसी बात के। मेरा नाम डॉक्टर जीवी भार्गव है और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। हम एक सीरीज चला रहे थे पैरासाइकोलॉजी में जिसके अंदर हम मांगलिक और पैरासाइकोलॉजी का कनेक्ट ढूंढ रहे थे, तो उसमें लास्ट बच गया था 12th हाउस मंगल। आप सब लोगों ने बहुत बार हमें बोला कि वो क्यों नहीं डालते, क्योंकि जिन लोगों का वो मंगल 12th हाउस में होगा उनको जरूर चिंता हो रही होगी। तो आज मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं पूरा कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ जिसके 12th हाउस में मंगल है एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या होता है इसको समझेंगे, और पैरासाइकोलॉजिकली हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एज पर एस्ट्रोलॉजी जिसके 12th हाउस में मंगल होता है वो कभी भी अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रह सकता, कभी भी मेंटल पीस नहीं होगा उसको, और सबसे बड़ी बात वो मियां बीवी कभी भी एक दूसरे के नीड पूरी करने में कभी खुशी नहीं होगी। एज पर एस्ट्रोलॉजी दूसरी चीज उसके अंदर बोलते हैं कि वो आदमी बड़ बोला बहुत होता है, ओवर बहुत दिखाता है, पर एक्चुअल में वैसा होता नहीं। हर चीज को वो हिडन करके दिखाने की कोशिश करता है। इसके मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको, एक क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर पैरासाइकोलॉजी में जाएंगे हाउ वी कैन क्योर इट। तो पैरा साइकोलॉजी में जाने से पहले वो एग्जांपल्स पे हम फोकस करेंगे, लेकिन मेरे एग्जांपल्स देने से पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अवर चैनल, इट विल हेल्प द पीपल्स एंड आल्सो यू विल गेट अ गुड नॉलेजेबल थिंग फ्रॉम अस। आगे चलते हैं, मैं जो पॉइंट्स बता रहा था उसका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे एक मियां बीवी है और एक के मंगल 12th हाउस में है, वो इतना बिजी दिखाएगा कि रात के 12 बजे तक वो बिजी ही रहेगा पर्सन, और दूसरा आदमी बैठ के घंटी हो जाएगा क्योंकि वो बात ही नहीं करेगा उसे, और वो बेकार की बातें बाहर वालों से करने की कोशिश करेगा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ओवर अपने आप को बिजी दिखाना, अपने आप को कॉन्शियसली ऐसा दिखाना कि नहीं हम तो बहुत दूर है आपसे, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो डिससेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट होता है। ऐसे लोगों को इमीडिएटली 2 तो काम करने चाहिए एज पर पैरासाइकोलॉजी, एक तो टेस्ट जरूर कराने चाहिए जो भी उसके साथ डिस्कशन करके आपको बताएगा, दूसरा एज पर पैरासाइकोलॉजी PLR जरूर करा लेना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कभी कभी इन लोगों को कुछ पौराणिक चीजों का, पिछले जन्म का कुछ रिलेशन में खराब होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो चीजें निकल जाती हैं। एक अच्छे भले घर में अगर आपको, अब मैं थोड़ा सा चेंज हो गया हूं पैरासाइकोलॉजी में आ गया हूं एस्ट्रोलॉजी से, तो पैरासाइकोलॉजिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर कराना चाहिए, दूसरा साइकी करा लेनी चाहिए। साइकी एक तरीका होता है कि आपके माइंड को वो रीड करता है और फिर बताता है कि आपके माइंड में ये प्रॉब्लम चल रही है जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आर्टिफिशियल चीजों के लिए दूसरे आदमी से लड़ते रहेंगे और अपनी लाइफ को हेल कर देंगे, और जो अपने दुश्मन है उनसे आप फ्रेंडली रहने की कोशिश करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि दुश्मन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, आप जानबूझ के उसको इग्नोर करेंगे, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे, आप अपने परिवार से एंटी डायरेक्शन चलेंगे, छुपके चलेंगे। परिवार अगर मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, परिवार में वाइन पीना बड़ा बहुत बड़ा अपराध है, कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जो नहीं पीती है, तो आप जरूर पिएंगे और छुपके पिएंगे और सामने भी शांत रहेंगे, शो करेंगे आप बहुत बिजी हैं एक्सट्रीमली, बट आप एंजॉयमेंट पे घूम रहे हैं। ये सारी चीजें मंगल के प्रभाव से होती हैं, क्योंकि मंगल सीधा आपके ब्लड को प्रभाव करता है एस्ट्रोलॉजिकली, और पैरासाइकोलॉजिकली ये आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन
जिसके कहते हैं पुराने कर्मों, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा आपकी साइकी लेवल, कई बार साइकी लेवल चेंज हो जाता है, आप बड़े एरोगेंट बिहेव करते हो बिना किसी बात के, आप में बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है बिना किसी बात के, ये सारी की सारी चीजें वो उस पर असर होती है। तो ये जो 12th हाउस है इससे ये इम्पैक्ट आपका आएगा। प्लस फैमिली में तो आपको मैंने बताया कि आपके रिलेशन अच्छे होंगे नहीं, और आपकी स्क्रीन पे भी मैंने डाला है जो 12th हाउस में मंगल है उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, यू कैन सी दैट कि ये 12th हाउस के मंगल है जहाँ पे मंगल होता है। पैरासाइकोलॉजिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है और आपके जो भी पास्ट लाइफ के कोई इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व किया जाता है। दूसरा साइकी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके माइंड को रीड किया जाता है और फिर उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आपके साथ इम्पैक्टफुल होती हैं और पैरासाइकोलॉजिकली आप उनको क्योर कर सकते हो। तो इस तरह ये सीरीज खत्म होती है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पैरासाइकोलॉजी पूरी सीरीज थी, इसमें मांगलिक को हमने लिया था। फिर कभी इसके अंदर जब जब टाइम मिलेगा तो वो विल एड ऑन कि आपको जो डिफरेंट दान बताए जाते हैं उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं साइकोलॉजिकली, जो आपके त्यौहार होते हैं उनके साइकोलॉजी क्या इम्पैक्ट हैं, इस सीरीज में जब भी हमें आगे इसको बढ़ाएंगे फिर आपसे वो शेयर करेंगे। तब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालिए कि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली वी विल गिव अ रिप्लाई फॉर दैट। अगेन वी रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।